हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग गाइस? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने जियो के सिम पर कॉल फॉरवर्डिंग कैसे लगा सकते हैं। अब आपका जियो का सिम है या फिर किसी और का जियो का सिम है, तो यहाँ पर आप कॉल फॉरवर्डिंग को लगा सकते हैं। तो गाइस कैसे लगाएंगे यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पर चार तरीके की कॉल फॉरवर्डिंग होती हैं, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जब मैं सेटिंग्स में जाऊँगा तो आपको करके भी दिखा दूंगा, एक एक पॉइंट आपको आराम से समझाऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा गाइस, और इस वीडियो को हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको डायलर दिख रहा होगा तो डायलर के अंदर आपको चले जाना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर डायलर में जाने के बाद आपको सबसे कोने पर तीन डॉट डॉट का आइकन दिख रहे होंगे, तो उस पर चले जाना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मोर फीचर्स एंड सेटिंग्स का ऑप्शन, तो यार इस वाले ऑप्शन पर हमें चले जाना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल सेटिंग्स, तो इस पर हमें जाना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर होगा हमारा सिम सेटिंग्स, तो सबसे ऊपर ही वाला ऑप्शन हमें जो है मिल जाएगा, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है और इसको खोल देना है। उसके बाद गाइस हमें मिलेगा कॉल फॉरवर्डिंग का फीचर, जो कि यहाँ पर पाँचवें नंबर पर हमें अगर हम ऊपर से आएंगे तो मिलेगा, और अगर हम नीचे से जाएंगे तो तीसरे नंबर पर हमें कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको खोल लेना है। बाद गाइस यहाँ पर आपको वॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वॉइस के ऑप्शन पर गाइस हमें चले जाना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि चार सेटिंग्स आपको मिलेगी, ऑलवेज फॉरवर्ड, फॉरवर्ड व्हेन बिजी, फॉरवर्ड व्हेन अनआंसर्ड, फॉरवर्ड व्हेन अनरीचेबल। तो सबसे पहले तो आपका ऑलवेज हो गया, जो आपके तीनों ऑप्शनों को कंट्रोल करेगा। अब नहीं चाहते हैं कि आपकी जो कॉल फॉरवर्डिंग है बस बिजी पाए, आप जैसे बिजी हो तो गाइस दूसरे को कॉल फॉरवर्ड हो जाए, या फिर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी कॉल किसी को फॉरवर्ड हो जाए। और यहाँ पर होता है अनरीचेबल, जैसे कहीं आप जो है नेटवर्क वगैरह नहीं आ रहे हैं, आपके पास गांव वगैरह में चले गए, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को काम में आता है। तो मैं यहाँ पर आपको ऑलवेज़ फॉरवर्ड लगा कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक नंबर ऐड किया है, आप देख सकते हैं, तो ये मेरा ही नंबर है। तो यहाँ पर गाइज आपको इसको इनेबल कर देना है, देन यहाँ पर आपका जो कॉल फॉरवर्ड है वो हमारे इस नंबर पर सारी कॉल भेजने लग जाएगा, चाहे बिजी की हो, अनआंसर्ड की हो, अनरीचेबल की हो, तीनों की जो कॉलें हैं वो हमारे इस नंबर पर भेजने स्टार्ट कर देगा। तो गाइस इस तरीके से आप जियो के सिम में कॉल फॉरवर्डिंग लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो गाइस लाइक करना, लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।